नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। 1 अप्रैल से इन नियमों में बदलाव टला, इसमें मिली राहत। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन इन नियमों में बदलाव होंगे। कई ऐसे नियम हैं जिसे 1 अप्रैल से बदल दिया गया है, लेकिन कई ऐसे नियम हैं जिन्हें 1 अप्रैल तक बदला जाना था, लेकिन अब इन नियमों में होने वाले बदलाव को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में जो 1 अप्रैल से बदलने वाले थे, लेकिन अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले बात RBI की करते हैं। RBI ने ऑटोमेटिक रिकरिंग पेमेंट के मामले में नए नियमों के अनुपालन की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत रिकरिंग पेमेंट के मामलों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए पेमेंट की तारीख से पहले ग्राहकों के पास अलर्ट भेजना और उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। वित्तीय संस्थान ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड या किसी भी प्रकार के डाटा को सेव नहीं कर सकेंगे। 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहकों के पास वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आएगा। पहले अप्रैल से इसका अनुपालन शुरू करना था। इधर वित्तीय संस्थानों ने कहा है कि नए नियम को लागू करने के लिए अपनी तकनीक में बदलाव नहीं कर पाए हैं। अब रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक पुरानी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी है। PNB ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, पुराने चेकबुक की बढ़ाई वैलिडिटी। भारत सरकार ने कई बैंकों के विलय की घोषणा की है। इसके बाद इन बैंकों के चेकबुक, पासबुक, IFSC कोड आदि बदल जाएंगे। ऐसे में लोगों के सामने यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि इन परेशानियों को देखते हुए PNB ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। PNB ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के चेकबुक की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। अब इन दो बैंकों के ग्राहक अपना चेकबुक 30 जून तक उपयोग में ला सकते हैं। PF ब्याज दरों में नहीं होगी कटौती। केंद्र सरकार ने चौतरफा दबाव के बीच PF समेत लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस ले लिया है। बीती रात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन योजनाओं पर ब्याज की दर में 1.1% तक की कटौती की है। इसके बाद विरोध को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह इस फैसले को वापस लेने की बात कही। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन योजनाओं पर ब्याज की दर पिछली तिमाही में मिलने वाली ब्याज के बराबर ही रहेगी, यानी इस पर निवेशकों को मार्च के महीने में मिलने वाले ब्याज के बराबर ही ब्याज मिलेगा। आयकर रिटर्न में छूट। कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरकार रिटर्न भरने की सुविधा आसान बना रही है। इसके तहत आयकर विभाग नए वित्तीय वर्ष से पहले से भरा हुआ ITR फॉर्म उपलब्ध कराएगी। पेंशन धारकों को मिलेगा छूट। सरकार ने बुजुर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट का फैसला किया है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल सकेगा जिनकी आय के स्रोत सिर्फ पेंशन व FD के ब्याज पर है। पैन आधार के लिंक की समय सीमा बढ़ी। पैन और आधार के लिंक करने की समय सीमा भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा है कि कोरोना के कारण बनी स्थिति में करदाताओं की मुश्किलों को देखते हुए इसे विस्तार दिया गया है। लेबर कोड नहीं होंगे लागू। 1 अप्रैल से श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड लागू नहीं होगा। पिछले कई महीनों से श्रम मंत्रालय की तरफ से नए नियमों को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इसे मई या जून में लागू किए जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मंत्रालय की तरफ से 1 अप्रैल से लेबर कोड को लागू करने की बात कही नहीं गई थी। विदेश व्यापार नीति में हुआ बदलाव। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 को 30 सितंबर तक के लिए मान्य कर दिया है। इस नीति की अवधि को 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इसे 1 साल का विस्तार दिया गया है। अभी भी नई व्यापार नीति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, इस कारण एक बार फिर से इसमें विस्तार कर दिया गया है। डाकघर में भुगतान की मिलेगी छूट। डाकघर में 1 अप्रैल के बाद से धन जमा करने अथवा निकासी के शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आधारित भुगतान प्रणाली जिसे हम AEPS पर भी शुल्क देना होगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का कहना है कि यह शुल्क फ्री लेन देन की सीमा को समाप्त करने के बाद लिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से होने वाले ये थे बदलाव, जिसकी समय सीमा अब एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।